अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना की किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है रबड़ी फालूदा। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा फालूदा है, घर में बनाया है। देखिए किस तरीके से, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सिवैये भी मैंने घर में बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने सब्जी का बीज ले ली हूँ, इसे तुकमलंगा भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसे भिगो लेंगे। 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं ये, इसको भिगो के रख देंगे। ये 10-5 मिनट में अच्छा फूल के फूल जाता है ये, तो सबसे पहले हम इसे भिगो लेते हैं। फालूदे की जो सिवैये हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक बॉल में इस तरीके से या किसी भी बर्तन में बर्फ को डाल लेंगे और बर्फ़ डालने के बाद में इसमें पानी भर लेंगे हम, जब तक का ये सेट होएगा। क्योंकि जैसे ही फालूदे की सिवैये गरम गरम बनती है, उसको गरम गरम इसके ऊपर हमें तोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम इसे तैयार कर लेंगे, अब हम सिवैये बनाते हैं। अब हमने ऐसी पैन रख लिए हैं गैस के ऊपर, गैस अभी बंद है, अभी ऑन नहीं करेंगे। और एक कटोरी देखिए इस तरह का प्याला है, मैंने कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ जिसे अरारूट भी कहते हैं, यह ऐड कर देंगे सिवैये बनाने के लिए। एक प्याली भर के मैंने जो कॉर्नफ्लोर ली थी, तो अब मैं इसका ये 2.5 प्याली पानी ऐड करूंगी। तो ये एक प्याला हो गया है, ये 2 हो गया और ये 1/2, ये ऐड कर देंगे। और शक्कर ले ली हूँ क्योंकि सिवैये फिक्की नहीं होने चाहिए ना मुंह में आते टाइम फालूदे में, तो हम ये थोड़ी शक्कर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के शक्कर ले ली हूँ, ये ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी बंद है। अब पहले हम अच्छे से सब चीजों को मिला लेंगे, कोई लम्स नहीं बनने चाहिए ना, कॉर्नफ्लोर ना नीचे बैठ जाता है देखिए इस तरीके का। पहले हमें अच्छे तरीके से सब मिला लेना है। गैस को मैंने अभी भी ऑन नहीं करी हूं, तो इस तरीके का मैंने सांचा ले ली हूँ जिससे चकली बनाते हैं, सेव बनाते हैं ना, ये उस तरीके का है। तो मैंने थोड़ा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर ली हूँ। और ये देखिए इस तरीके की इसकी मैंने ले ली हूँ ये सिवैये बनाने का, ऐसी प्लेट आती है इसमें 6-7, तो मैं ये वाली ले रही हूँ, इससे हम बनाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर ली हूँ, अब इसे चलाते रहना है हम अच्छे तरीके से। लो फ्लेम पे रखी हूँ मैंने, क्योंकि ये अच्छे से पकने चाहिए ना, कच्चा नहीं रहने चाहिए। अगर फास्ट पे पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा और वो अच्छा सिवैये नहीं बन पाएगी हमारी। तो मैंने स्लो आंच पे रख के इसको हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे जब तक का ये ट्रांसपेरेंट जैसा ना हो जाए। अभी देखिए पक पक के थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और ये देखो इस तरीके का ये पकते जा रहा है। तो हमें इसी तरीके से पकाना है इसे, बहुत ही जल्दी घर में इजी बन के तैयार हो जाता है फालूदा। देखिए आप, हम भी घर में बना सकते हैं सिवैये, कोई भारी काम नहीं है ये। रमज़ान में अपनी फैमिली को बना के खिलाइए, अफ्तार के टाइम पे अच्छा लगता है। दो से तीन मिनट में देखिए ये इस तरीके का हो गया है। अभी और थोड़ा पकाना है इसे, जल्दी जल्दी मिला लेंगे। ये देखिए बनके रेडी हो चुका है, ये इस तरीके का ये गिरने चाहिए, तो ये समझ जाएगा आप रेडी बन गया है ये। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और गरम गरम को हमें सांचे में डालना होगा। अब गरम गरम को ना मैं इस तरीके से कपड़े से पकड़ के कर रही हूँ, क्योंकि ये सांचा गरम हो जाएगा ना तो चटका लगेगा इसके लिए। अब जल्दी से हमें सांचे में इस तरीके से भर लेना है। ये काम गरम गरम में ही होता है, और इस बात का ध्यान रखना कि कपड़े में से पकड़ के करना, साँचा बहुत गरम हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे
हाथ को रोकना नहीं है, चलाते रहना है हमें। दस से पंद्रह मिनट तक का हम इसे ठंडे पानी में रहने देंगे बर्फ के साथ में, जब ये साइड भी अच्छे से हो जाएगी और हम रबड़ी बना लेते हैं। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, पौना लीटर दूध ली हूँ मैंने। इसको अच्छे से पका पका के हमें रबड़ी बनाना है इसकी। दूध देखिए कितना अच्छा पक पक के गाढ़ा हो गया है, मलाई भी देखो किस तरीके से जम रही है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मावा, ये ऑप्शनल है, मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी, नहीं तो हम दूध को भी पका पका के अच्छे से बना सकते हैं। और दो टेबल स्पून शक्कर ऐड करूँगी इसमें क्योंकि रबड़ी मीठी होनी चाहिए, फिक्की नहीं। दो टेबल स्पून शक्कर ले ली हूँ, ये ऐड कर देंगे इसमें और पाँच मिनट में इसको अच्छे से पका लूँगी। घर में देखिए कितनी बढ़िया सी रबड़ी बनके तैयार हो रही है, मज़ा ही आ जाएगा फालूदे में तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो। ये देखिए कितना अच्छा साइड में भी जम गई है और पाँच मिनट में इसे पका लूँगी। रबड़ी देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनके रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद में ना और थोड़ी जाड़ी जैसी हो जाएगी, थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। अब फालूदे की सिवैये जो हमने तोड़े थे देखिए अच्छे से सेट हो गई है ठंडी ठंडी, ये देखिए क्या बढ़िया बनी है लंबी लंबी सी। अब हम फालूदा असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बर्फ़ ले ली हूँ, सबसे पहले हम गिलास में बर्फ़ डालेंगे इस तरीके से। अब इस पे हम डालेंगे जो सिवैये हमने बना के रखे थे ना वो ऐड करेंगे। सब्ज़ी का बीज, ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है पेट के लिए, गर्मियों के लिए ठंडक देता है, ये तो खाने चाहिए आप लोग, ज़रूर खाना। रबड़ी देखिए आप कितनी अच्छी सेट हो गई और कितनी अच्छी गाढ़ी बनी है, देखिए मज़ा ही आ गया रबड़ी देख के। तो ये ऐड करेंगे, आपको जैसी मर्ज़ी आप अपना फालूदा बना सकते हैं। अब थोड़ा रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, रूह अफ़ज़ा देखिए आप, फालूदा तो इसके बिना अधूरा ही है बिल्कुल। थोड़ी आइसक्रीम ऐड करेंगे, ये मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ले ली हूँ, ये ऐड करेंगे इसके ऊपर। आइसक्रीम और ऐड करेंगे थोड़ी इसमें, ठंडे ठंडे फालूदे का देखिए मज़ा, देखिए आप कितना ज़बरदस्त फालूदा बना है। थोड़ी टूटी फ्रूटी और एक चेरी रख देंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त फालूदा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स रेसिपी बनके तैयार हो गई, आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।